नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीम वॉरियर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है, वाइड नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ किस प्रकार से चेंज हो सकती है अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है और एक सही कंपनी के साथ आप जुड़े हैं तो आपकी और आपके फैमिली की लाइफ किस प्रकार से चेंज हो सकती है। इस वीडियो में हम जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिविटी, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, MLM इंडस्ट्रीज़ और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़ें तो हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और हम अपने फैमिली लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली फाइनेंशियली रिटायरमेंट और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से बताऊंगा, टीम वॉरियर के ट्रेनिंग प्रोग्राम माध्यम के से बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग का यूज़ हम कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़कर आप और मैं हम सब मिलकर के अपने सपने साकार कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो नए मेंबर्स हैं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड सारी एजुकेशन जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों मिलते रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिलेगी और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, आप अपनी टीम के अंदर, आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की इस बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चले और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में उनको पता चले, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह की चीज़ें हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें आप जब ज्वाइन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं तो आपको एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है और जो स्पॉन्सर होता है आपका वो उस नेटवर्किंग में आपसे कुछ टाइम पहले आ चुका होता है। जैसे जब हम स्टडी करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, तो बेटर जब हम प्लस टू करने के बाद फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट ईयर में किस प्रकार से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है, किस प्रकार से रूटीन है, किस प्रकार से स्टडी मटेरियल्स है, तो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन और अच्छे मार्क्स किस प्रकार से लाए जाएँ, तो वो हमें एज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन और हमारे एज ए मेंटर काम करते हैं हमारे जो सीनियर्स हैं। सेम वे में जब हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्पॉन्सर के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्सर जो होता है वो हमारा मेंटर होता है और वो मेंटर मैक्सिमम सक्सेस वहाँ से, जिस कंपनी से और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ले चुके होते हैं और वो हमें एक सही रास्ता बताते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये सही है और ये सही रास्ता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो अपलाइन, डाउनलाइन, डाउनलाइन, तो ये एक अपलाइन और एक डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन बेसिकली क्या होता है, जो लोग आपसे पहले आ जाते हैं उनको हम अपलाइन के रूप में एक अच्छे वर्ड्स में, सही मैनर्स में उनको रिकॉग्निशन देते हैं कि ये हमारे अपलाइन है, उनको एक रेस्पेक्ट के मामले में हम उनको बोलते हैं ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है, सभी लोग पार्टनर्स होते हैं। और मेरी टीम में अपलाइन डाउनलाइन की संज्ञा मैं नहीं देता, मेरी टीम में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं सभी मेरे पार्टनर्स हैं, सभी मेरे सहयोगी हैं, सभी हमारी टीम वॉरियर फैमिली का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अपलाइन डाउनलाइन एक रेस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो अपलाइन आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कदम रखना है, किस प्रकार से आपको सक्सेस दिलानी है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर के ही गए हैं, ठीक है। सेम वे में
इसके बारे में आपको हम बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ की है, ये एक बहुत ही बड़ी डायनामिक इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ा वाइब्रेशन आपके साथ होगा जब आप इसमें ज्वाइन करोगे, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो इंटरनेशनली एक्सपेंड करती हैं। आप अपना बिजनेस है वो एक्सप्लोर कर सकते हो आप इंटरनेशनली, और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, डायरेक्ट वो कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी कंपनीज प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रदान करती है, बजाय बीच में कमीशन लेने वाले उसमें कोई नहीं होते। और जो भी कमीशन्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए दूसरी कंपनियां बीच में मार्केटिंग एजेंट्स, स्टॉक डीलर, रिटेलर जो भी यूज़ होते हैं, उन सभी का कमीशन से बटा होता है। तो क्या है? तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कस्टमर्स में शेयर करती है, कंज्यूमर्स में शेयर करती है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको कंज्यूमर्स में शेयर करती है। तो इस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग की संस्थाएं चलती हैं, ठीक है। और कोई भी कंपनी जब लॉन्च होती है तो वो इसी प्रकार से काम करती है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी, और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनली मॉनिटर्ड होती हैं WFDS, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से। एक पूरे वर्ल्ड की एक फेडरेशन होती है जो कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का काम करती है, और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज होती है, नेशनल इंटरनेशनल कंपनी, सब कंपनियां आती हैं WFDSA के साथ। और WFDSA की मेंबरशिप लेना बड़ी बड़ी टॉप कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और जो कंपनी WFDSA की मेंबर बन जाती है बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको और आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो सही तरीके से, सही अपॉर्चुनिटी अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे बहुत कुछ संभावनाएं हैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। स्टार्टिंग में आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है, तो आप उसी स्पॉन्सर को चूज़ कीजिए, एक ऐसी टीम सेलेक्ट कीजिए जो आपकी सक्सेस, वहाँ पे आपको सक्सेसफुल बना सके, आप की लाइफ चेंज कर सके। तो सबसे पहले आपको कोई भी टीम ज्वाइन करनी हो तो सबसे पहले उस टीम के पास एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर उस टीम के पास एजुकेशन सिस्टम है, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, काफ़ी लोग हम फेलियर हो जाते हैं क्योंकि उस कंपनी के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं होता। उस जिस कंपनी के पास और जिस टीम के पास एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, वो बहुत जल्दी दोस्तों कोलैप्स कर जाती है। और जो टीम और कंपनी अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करती है, वो मार्केट में खड़ी रहती है, और ऐसे बहुत से एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने से पहले आप अपने अपलाइन का बैकग्राउंड चेक कीजिए, कितनी कंपनीज में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनका पास्ट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपके अपलाइन का बैकग्राउंड और प्रोफाइल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी के CEO हैं, उसकी प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का हेड स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आपका मेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, और सक्सेसफुल लाइफ होने के चांस बहुत धीरे धीरे कम होते हैं, और सक्सेस मिलेगी भी तो काफ़ी टाइम के बाद मिलेगी। लेकिन जो टीमें एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करती हैं, ऐसी टीमों के साथ आपको जुड़ना है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको और आपकी लाइफ को वो चेंज कर सके, ठीक है। तो आपको एक ऐसे स्पॉन्सर की आवश्यकता है, आपका जो पूरा फ्यूचर है किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले, आपका जो फ्यूचर है वो आपके मेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक अच्छी टीम और एक सिस्टम के साथ और एथिक्स के साथ काम करने वाली टीम को चुना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता डेफिनेटली। तो आपको चूज़ करना है एक अच्छी अपलाइन और एक अच्छी टीम और एक अच्छी कंपनी, सही अपॉर्चुनिटी सही समय पे आपको यूटिलाइज करनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, इसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं सक्सेसफुल की, और जो भी सक्सेस की स्टोरीज हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज आप सुन सकते हो, डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द काफ़ी सक्सेसफुल लोग होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए हमें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो पूरी तरीके से चेंज होती है, आपका लाइफ का सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपका जो नज़रिया है अपनी लाइफ को देखने का वो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हो जाता है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, एक राउंड सर्कल के अंदर हम सब लोग जीते हैं, राउंड सर्कल के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं, बस सुबह शाम डेली जो किया 15-20-30 साल से वही कर रहे हैं, और हमारे फादर मदर जो हमारे फादर मदर ने जो किया है हम भी उसी ट्रेडिशन में कर रहे हैं, बस उस गोल गोल एक दायरे के अंदर हम घूम रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। बस हमारी सोच है 30-40-50 हज़ार तक, लाखों और
करोड़ों रुपए कमाने की सोच हमने कभी दिमाग में सोची नहीं। लाखों और करोड़ों रुपए वही लोग हमें दिला सकते हैं जो लोग कमा रहे हो। तो ऐसे लोगों की आप संगत कीजिए जो लोग लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो आपको सही रास्ता बता सकते हैं कि हाँ भाई लाखों और करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संगत कीजिए आप, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ कीजिए आप, उनको टीम में शामिल होइए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। यहाँ पे आपको सोशलाइट पीपल मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो उनकी बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ से आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की एक अच्छी कंपनी में और एक अच्छी टीम के साथ ज्वाइन होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और जो जीवन की सच्चाई है वहाँ पे आपको पता चलता है कि आप जो जॉब कर रहे हो उस जॉब से आप ज़िंदगी जी तो रहे होते हो, काट तो रहे होते हो, लेकिन ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं जी पाते। सभी लोग हम ज़िंदगी काट रहे होते हैं उस पैसे से जो भी हम मंथली पेमेंट लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी अच्छी नहीं जी पाते और हम एक अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पाते उस एक लिमिटेड इनकम के दायरे के अंदर, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली जाती हैं। हर साल हमारा जो बजट है वो बढ़ता चला जाता है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,00,000। और हमारे जो अर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, पॉकेट का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्निंग वही उतनी रहती है और उसी में हमें मैनेज करना होता है। इस तरीके से हम सभी लोग अपना हैंड टू माउथ होते हैं, लाइफ जी रहे होते हैं लेकिन काट रहे होते हैं। लेकिन अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छी अर्निंग ऑफ सोर्स बहुत ज़रूरी है। पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन पैसे के बगैर भी एक अच्छी लाइफ हम नहीं जी सकते, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही हम एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चों को। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो आपको आपके जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे सोच वाले लोग मिलेंगे और नई नई गाइडलाइंस आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, और इतने नॉलेजफुल पर्सन्स मिलेंगे जो आपको लाइफ का पर्पस बताएंगे कि लाइफ ज़िंदगी में एक बार मिलती है, क्यों ना इसको अच्छे तरीके से जिया जाए। और अच्छे तरीके से जीने के लिए आपको पैसा चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली पैसा ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास पैसा होता है तो वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हम अपनी और अपने फैमिली की कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। और हम हमारे जो माँ बाप जिन्होंने हार्डवर्क करके हमें इस लायक बनाया कि आज हम खड़े हैं और हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाया, उनका उनके बुढ़ापे के अंदर उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं हम, अगर हमारे पास पैसा हुआ तो, हमारे पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हुई तो हम अपने माँ बाप की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। डेफिनेटली पैसा तो ज़रूरी है इस चीज़ में, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है। और आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ मोटिवेशनल है, सेल्फ पेशेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, पेशेंस रखना, गुस्से पे कंट्रोल करना, ना सुनने की आदत डालना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, इस तरीके की जो चीज़ें हमारे अंदर होती है वो सारी चीज़ें इंप्रूव होती चली जाती हैं। धीरे धीरे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में धीरे धीरे यहाँ पे हो जाता है। ऐसे लोगों से मुलाकात करके, एक्सपीरियंस लेकर के डेफिनेटली आपका जो व्यक्तित्व है वो असली निकल के बाहर तभी आता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, ठीक है। और आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है ये आपको भी नहीं पता। जब आपको एक फील्ड मिलेगा कि आप एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, अपने बारे में बताइए, आपके खूबियों का अभी आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप किसी टीम के साथ ज्वाइन करते हैं, प्लान के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो आपके खूबियों का एहसास करवाते हैं और आप अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मिल करके, आप उनसे कुछ सीख कर करके आप अपने लाइफ का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, टारगेट चेंज कर सकते हैं और गोल सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ का। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सिक्योर इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है वो बहुत अच्छे तरीके से आ रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है इंडिया के अंदर हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का, ई कॉमर्स वेबसाइट्स का जो रेवेन्यू है इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनली भी हर टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है। जो टाइम आज का चल रहा है वो ऑनलाइन डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केटिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स का चल रहा है। तो इस पोर्टल के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ आप डिजिटल ऑनलाइन के साथ जुड़िए और इससे जुड़े हुए बिजनेस आप कीजिए, आपकी और आपके फैमिली की लाइफ यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पे आपको सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक जॉब नहीं करने की आवश्यकता, आपको एक टाइम फ्रीडम मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे एक आदमी जॉब करता है एक घंटे में, एक दिन में 8 घंटे हम जॉब करते हैं, तो अगर आप
10 लोगों की टीम बनाते हैं तो वो 10 लोग प्रतिदिन काम करेंगे तो 80 घंटे हो गए आपके एक दिन में 80 घंटे। इस प्रकार से एक अगर अच्छी टीम बनाते हैं आप हज़ारों की, तो आप जो अपना काम है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप अपनी टीम के थ्रू एक दिन में आप हज़ारों घंटे काम कर सकते हैं। तो एक अच्छी टीम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है ताकि आपका वर्किंग्स का, आपका रिजल्ट्स का मल्टीप्लीकेशन हो सके और उस प्रकार से आपको रिजल्ट मिल सके। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद के बॉस बन जाओगे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे और आप लोगों को रोज़गार देने का काम करोगे यहाँ पे और लोगों की लाइफ चेंज करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दोस्तों कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे और दूसरे तरीके के लोग, हर तरीके के वर्क का, हर तबके के वर्क के लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं और हो भी चुके हैं ऑलरेडी, एग्जाम्पल आप ओके और मेरे सामने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे फ्री माइंड काम कीजिए और 2 से 3 साल अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। 2 से 3 साल के अंदर आप इतने पैसे अर्न कर लोगे जो आप अपने 20 साल 40 साल की जॉब के बाद भी नहीं कर पाओगे। और जब भी हम जॉब करते हैं 20 साल 30 साल 50 साल, तो जॉब के बाद भी हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी और हमारे फैमिली की कभी पूरी नहीं होती दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 साल हम काम करके एक अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं और फाइनेंशियली अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हैं, बाकी की लाइफ हम अपनी एंजॉय कर सकते हैं। तो आपकी जो एज है 18 साल से 23-25 साल तक, अगर आप यंग हो, अगर आप स्टार्टिंग करते हो हमारे साथ, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो एक अच्छे तरीके से। अगर आप किसी भी कंपनी के साथ, उसके एथिक्स के साथ, उसके रूल एंड रेगुलेशन के अंडर काम करते हो, तो यहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली आप ले सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्किल इम्प्रूव होती है आपकी, आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है डेफिनेटली। आप अपने बॉस यहाँ पे खुद होते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, और जब आप चाहे तब आप एक अपना अच्छा नेटवर्क डेवलप कर सकते हो, यहाँ पे एक अच्छी टीम क्रिएट हो सकते हो और आप अपना जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनली लेकर जा सकते हो। आप इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी आप अपना बिज़नेस लेकर के जा सकते हो, अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकते हो आप इंटरनेशनली, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आपकी डेफिनेटली हो ही जाती है यहाँ पे, आप एक अच्छे प्रतिभा व्यक्तित्व के धनी यहाँ पे बनते हो डेफिनेटली, और पर्सनल ब्रांड बनाते हो, आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग भी बनती है मार्केट के अंदर, और आपका जो इम्पैक्ट ऑफ लाइफ है वो भी चेंज हो जाता है, और लाइफ का सोचने का तरीका, नज़रिया यहाँ पे आपका सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। बिल्ड योर फॉर्च्यून नॉट समवन एल्स, तो आप अपने आप को फॉर्च्यून की तरह एक्सप्लोर कीजिए, हर तरीके से हर फील्ड के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो और अर्ली रिटायर लाइफ जी सकते हो, फाइनेंशियली रिटायरमेंट आप ले सकते हो अर्ली, और आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। फ्री फ्रॉम यूज मास मार्केट केमिकल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जितने भी जो मार्केट हैं उसके अंदर जितने भी जो अच्छे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, दैट इज़ उनको हम कहते हैं, जो भी हम किसी भी कंपनी को प्रमोट करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और फ्री फ्रॉम यूज़ मास मार्केट प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम गेटिंग पुअर एंड राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड बैलेंस राइट, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो, ऐसे कि ये एक ग्राफ देख रहे हो वैल्यू ऑफ मनी, इस ग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जैसे जैसे साल साल बढ़ता हुआ चला जाता है और हर महीने में जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं एज के साथ साथ, और फैमिली का साइज़ ग्रो होने के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती है, और हमारी जो अर्निंग है वो बढ़ती नहीं लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम के साथ हम सब कुछ यहाँ पे बैलेंस कर पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ रेजिडुअल इनकम आपका बन जाता है, और ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकता है, एक लग्जरी कार मिल सकती है, अच्छे पैसे मिल सकते हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप ज्वाइन करते हो तो आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे चेंज हो जाती है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जिसने इजी तरीके से डुप्लीकेशन करना सीख लिया वो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाता है। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ शब्दों का खेल है, यानी कि जिस लीडर ने शब्दों को सही और सटीक अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से नॉलेज लेकर के अपने शब्दों का चयन कर लिया और उन शब्दों के ऊपर वो खरा उतरता है और अपने आप को प्रूव करता है, तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का ही बिजनेस है जो अपने आप को
प्रूव कर चुके होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है और जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होता है, डिटर्मिनेशन होता है, और जिनके अंदर वाई होता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। जिस दिन आपको और आपका वाई जग जाएगा आपके अंदर से, आप डेफिनेटली सक्सेस के राह पे निकल पड़ोगे। उस दिन आपको यहाँ पे रुक करके काम करना है। एक ही दिन में कोई आदमी करोड़पति अरबपति नहीं होता है, उसके लिए एक टाइम होता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए स्टार्टिंग का जो टाइम है वो 2020 मैच की तरह नहीं होता, ये एक टेस्ट मैच की तरह होता है, 100 मीटर रेस की तरह नहीं होता, एक मैराथन है पूरी। तो उस मैराथन के अंदर दोस्तों उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो आप अगर शुरू के 3 महीने 6 महीने जो एक रूटीन प्रोसेस है उन सब चीज़ों से गुजरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रूव होती है। डेफिनेटली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो जिस रास्ते से जाते हैं ना, वो रास्ता आपको बताएंगे सही तरीका क्या है। तो ऐसे अपनी लाइफ में एक मेंटर को चुनिए आप, जो आपको एक सही डायरेक्शन दे सके, क्योंकि वो भी आप ही के रास्ते से होकर के गुजरा है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो आपको बताएंगे डेफिनेटली। तब आप यहाँ पे एक अपने मेंटर के साथ, एक टीम के साथ आप काम स्टार्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ भी यहाँ पे चेंज हो सकती है और आपको लाइफ में वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपके अपलाइन को मिली है और सक्सेसफुल लोगों को मिली है आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। तो ये चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप विदेश के टूर्स मिलेंगे, लग्जरी क्रूज़ के जो टूर देख रहे हैं आप अपने फैमिली के साथ वैकेशंस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों। तो मैंने आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक ओवरव्यू दिया है कि आप एक सही कंपनी, एक अच्छे टीम और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम वाली टीम के साथ अगर आप ज्वाइन होते हैं, आपकी और आपके फैमिली की लाइफ यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो डेफिनेटली डिसीजन लेना है आपको, और डिसीजन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। डिसीजन लेने के बाद उसको प्रूव करना है आपको। जैसे रतन टाटा ने क्या कहा है कि मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो मैं उसको सही करके दिखाता हूँ, सेम वे में आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको प्रूव करना है अपने आप को। और फेलियर के डर से हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि फेलियर होने के डर से वो कोई लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पाते। सबसे पहले डिसीजन ले लीजिए, फेलियर होने का दिमाग से ख्याल छोड़ दीजिए, और आपके पास्ट के लाइफ में क्या किया है, आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, अगर आप फेलियर हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप पास्ट की लाइफ को साइड में रखें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और फ्यूचर के बारे को बेटर बनाने के लिए दोस्तों प्रेजेंट में तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रेजेंट के अंदर एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ताकि आपका और आपके फैमिली का फ्यूचर ब्राइट हो सके। पास्ट को साइड में रखिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, पास्ट में जो कुछ सीखा है आप वो प्रेजेंट में यूटिलाइज़ कीजिए, और आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए प्रेजेंट में कुछ ऐसा कीजिए ताकि फ्यूचर आपका चेंज हो सके। डेफिनेटली 100% चेंज होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी टीम के मेंबर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और आप टीम वॉरियर के एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़िए। आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।